नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। राजस्थान की राजनीति में मची सियासी उठापटक के बीच कांग्रेस ने मंगलवार को पार्टी के युवा नेता सचिन पायलट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के साथ ही डिप्टी सीएम के पद से भी हटा दिया। कांग्रेस की इस कड़ी कार्रवाई के बाद सचिन पायलट ने मंगलवार को तो इतना ही कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, मगर बुधवार को उन्होंने सियासी कलह पर एक इंटरव्यू में खुलकर बात रखी। इंडिया टुडे ग्रुप को दिए इंटरव्यू में कांग्रेस के बागी नेता सचिन पायलट ने कांग्रेस की कार्रवाई से लेकर भविष्य की राजनीति तक हर मुद्दे पर खुलकर बात की। सचिन पायलट से जब एम गहलोत से नाराजगी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे नाराज नहीं हूँ, मैं किसी विशेष शक्ति या विशेषाधिकार की मांग नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इतना चाहता था कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने चुनावों में जो वादे किए थे उन्हें पूरा करने की दिशा में काम करें। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जिक्र करते हुए सचिन पायलट ने कहा, हमने वसुंधरा राजे सरकार के अवैध खनन पट्टों के खिलाफ एक अभियान चलाया ताकि तत्कालीन बीजेपी सरकार को उन आवंटन को रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़े, लेकिन सत्ता में आने के बाद गहलोत जी ने कुछ नहीं किया बल्कि उसी रास्ते पर चले। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने बताया कि उन्हें और उनके समर्थकों को न सम्मान मिला और न प्रदेश के विकास के लिए काम करने का मौका। सचिन पायलट ने गहलोत सरकार पर आरोप लगाया कि नौकरशाहों को मेरे निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए कहा गया था, फाइलें मेरे पास नहीं भेजी गई, मंत्रिमंडल की बैठकें और सीएलपी की बैठकें महीनों तक नहीं हुई थी। अगर मैं अपने लोगों के साथ की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अनुमति नहीं देता तो क्या स्थिति होती। कांग्रेस की कार्रवाई के बाद ये अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या सचिन पायलट बीजेपी का दामन थामने वाले। इन अटकलों पर भी पूरी तरह विराम लगाते हुए सचिन पायलट ने न्यूज एजेंसी एएनआई से साफ तौर पर कहा कि वो बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे।